अरे यार क्या मुसीबत है। आपको जब कोई कहीं पे जाने के लिए आपको खुद बोलेगा कि मैं भी आऊँगा आपके साथ, तो उसके बाद अगर कोई कैंसिल कर देता है जाने के टाइम पे, तो कितना गुस्सा आता होगा आप खुद भी इमेजिन नहीं कर सकेंगे। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथा अस्तु। वंस अगेन, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को सभी को पता ही होगा कि हर संडे को मैं एक छोटा सा राइड पे निकलता हूँ और वीडियो अपलोड करता हूँ। पिछले संडे मैं एक कुछ काम की वजह से मैं नहीं जा सका, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको बहुत थैंक्स भी बोलना चाहता हूँ कि मेरी एक जो वीडियो है वो वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहा है और वॉच टाइम भी बढ़ रहा है और आप लोग भी बहुत सराहा है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तहे दिल से मैं आपको फिर से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। तो ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा। आज भी एक वैसे ही एक छोटा सा राइड पे निकला हूँ जो मेघालय में ही राइड करूँगा क्योंकि गुवाहाटी से पास पड़ता है, तो इसीलिए मैं आपको एक अच्छी जगह में लेके जाऊँगा जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलते हैं। मैं अभी ऑलरेडी नोंगपो पार्क क्रॉस करके आ गया, अभी हाईवे में रुका था। मैं इंट्रोडक्शन वीडियो भी अभी तक बनाया नहीं था, मैं सोचा कि थोड़ी देर बाद ज़रूर बनाऊँगा। तो अभी कंप्लीट हो गया है, अभी निकलेंगे यहाँ से। भूख भी लग रहा है थोड़ा सा, थोड़ा छोटा सा एक ब्रेकफास्ट भी करेंगे करके यहाँ से निकलते हैं। 8 बज चुका है, मैं 6:30 बजे घर से निकला था, तो अभी 8 बजे में मैं नोंगपो क्रॉस करके बहुत दूर आ गया। ये जगह का नाम तो मालूम नहीं है, शायद उमसिंग साइड होगा, उमसिंग क्रॉस करके आ गया होगा, और यहाँ से बरापानी ज़्यादा दूर नहीं है। तो इतना ही नाश्ता है, इतना सा नाश्ते से हमको चलना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी खाली पेट हूँ। घर से कुछ थोड़ा सा चाय पी के आया था और ये सब बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है इसमें, तो खाली पेट में अगर इतना प्रोटीन खाएंगे तो सेहत के लिए बहुत ख़राब है, मेरा पेट भी ख़राब हो सकता है। तो मैं अभी आपका बोरापानी का जो ब्रिज है, फ्लाईओवर है, वो फ्लाईओवर पहुंच चुका हूँ। सीधा जाएंगे तो आपको जुआई डाउकी साइड जा सकेंगे आप, और राइट हैंड साइड में आप अगर जाएंगे तो डायरेक्ट शिलोंग रोड, जो कि मैं अभी जा रहा हूँ। रिच बरापानी, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक ऑफ मेघालय, और ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसके ऊपर ब्लॉग अभी तक नहीं बनाया, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। आज जस्ट मैं आपको सराउंडिंग दिखा देता हूँ, इसका लोकेशन आपको मैं दिखा देता हूँ। दैट इज इट्स कॉल्ड उमियम लेक। अभी मैं शिलोंग एंटर कर लिया हूँ और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ चेरापुंजी साइड, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि चेरापुंजी साइड में क्या क्या आपको देखने के लायक है। और अभी तक तो मौसम ठीक ठाक लग रहा है, फिर भी बहुत अच्छा भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। आपका ये राइट साइड में जो बोट दिख रही है वो आपका एलिफेंट फॉल की तरफ जाता है, और बहुत ही खूबसूरत फॉल है, मगर मैं शायद कवर अप नहीं कर पाऊँगा, मैं बाद में आपको ज़रूर ये ब्लॉग बनाऊँगा। और यहाँ से जो आपका दो रास्ते दिख रही है, एक रास्ता आपका मोशन ड्रम की तरफ जाता है और एक साइड चेरापुंजी और दाऊ की साइड जाता है। मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, और ख़ास करके जब मैं राइड पे रहता हूँ तब बारिश होने से मुझे बहुत गुस्सा उठता है। एक्चुअली बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रहा है अभी, हल्का हल्का बारिश हो रहा है,
फिर भी अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जाएंगे तो आप डेफिनेटली आपको गीला होना ही पड़ेगा, और ठंडा भी पड़ गया है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और देखते हैं आगे, आपको मैं दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैं चेरापुंजी रोड पर घुस गया हूँ और यहाँ से हार्डली होगा आपका 50-60 किलोमीटर से अराउंड होगा। चलिए चलते हैं। मैं एक बहुत बड़ी गलती कर दी, एक्चुअली मेरा रेनकोट था, मैं सोचा कि रेनकोट नहीं होने से भी इतना कम बारिश में मैं भिगूंगा नहीं, क्योंकि मेरा जैकेट था, सोचा था कि ये वाटरप्रूफ टाइप का होगा। अनफॉर्चुनेटली मैं ऑलरेडी भीग चुका हूँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा था। जब मुझे महसूस हुआ ठंडा अंदर में, तब जाके मुझे फील हुआ कि नहीं, मुझे रेनकोट पहनना चाहिए था। अभी ऑलरेडी गीला हो गया, ये जैकेट भी सूखने के लिए बहुत टाइम लगेगा और मुझे ठंडा भी लग सकता है। बस अभी ट्राई करता हूँ रेनकोट, जैकेट के ऊपर रेनकोट पहना तो इतना कंफर्टेबल नहीं है, ऊपर से बैग भी है और थोड़ा टाइट हो गया है, मालूम नहीं अगर कुछ ऐसे वैसे करेगा तो फट भी सकता है, फट गया तो गया और काम से। तो चलिए, मैं रेनकोट ऑलरेडी पहन चुका हूँ, आई एम रेडी टू गो। चेरापुंजी रोड पे ऑलरेडी मैं एंटर कर चुका हूँ और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, चलिए चलते हैं। बारिश के वजह से पानी कितना ज़्यादा हो गया और गंदा भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, और यहाँ से आपको सीधा जाएंगे तो चेरापुंजी साइड और लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो आपको डाउकी साइड जरूर मिलेगा। यार क्या मुसीबत है, मैं पैंट नहीं पहना था रेनकोट, इसीलिए पूरा वो भी भीगने स्टार्ट हो गया और ऊपर से जूते में पानी भी घुस गया, तो बहुत इरिटेटिंग फील होता है, फीलिंग हो रहा है अभी। मतलब जूता का तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, मगर रेनकोट का जो पैंट है वो पहन लूँगा। तो गाइज, मेरा आप लोग जैसे कि देख ही रहे हैं, ऑलरेडी मैं 75% गीला हो चुका हूँ और मैं जिस जगह में आया हूँ शायद ही कोई आया होगा, पूरा सुनसान सड़क है, सुनसान रास्ता है। मैं थोड़ा आगे ज़्यादा चला आया, कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मैं चेरापुंजी ऑलरेडी पहुँच के क्रॉस करके आ गया, उस साइड में भी कोई व्यू पॉइंट है मगर मैं उस साइड में नहीं जाना चाहता हूँ अभी, क्योंकि बारिश कंटिन्यूअसली हो रहा है तो मुझे इतना इरिटेटिंग हो रहा है कि मेरा जूता जो है पूरा गीला हो चुका है ऑलरेडी, और शायद कुछ देर बाद रेनकोट भी काम करना बंद कर देगा। तो आज का जो राइड है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक राइड था, बहुत स्लो आना पड़ रहा था क्योंकि ऑलरेडी बारिश के वजह से टायर में ग्रिप ज़्यादा नहीं रहता है और ऊपर से ब्रेक भी कम होता है, तो हेलमेट का ग्लास भी आप लगा के नहीं चला सकते हैं क्योंकि पूरा धुआं धुआं दिखता है, तो इसीलिए ग्लास खोल के आना पड़ रहा है। और ठंडा भी है, अभी 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे गुवाहाटी में 42-45 डिग्री सेल्सियस अभी भी शायद हो रहा है, वहाँ पे कितना बहुत तेज़ धूप दे रहा है और यहाँ पे आपका कितना ठंडा है और बारिश है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 156 किलोमीटर से होगा गुवाहाटी से, 150 किलोमीटर आने के बाद यहाँ पे ठंडा पड़ जाता है, और यहाँ का जो तापमान है चेंज होते रहता है, कभी 22 डिग्री सेल्सियस होता है, रात का टाइम में तो और ज़्यादा तापमान घटेगा, तो ऑसम है ऑसम। और बारिश का टाइम में भी बाइक चलाना, राइड करना अच्छा लगता है, मगर अकेले अकेले तो आप समझ सकते हैं। अभी सेवन सिस्टर फॉल में पहुंच चुका था, अनफॉर्चुनेटली यहाँ का जो क्लाउड है, बाप रे बाप, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ साउंड आपको सुनाई देगा। मैं आपको दिखा दूंगा, अभी ब्लर हो गया मेरा कैमरा, बहुत ही ख़राब हो गया, देखो। तो गाइस, यहाँ आज तो सबका वाट लग चुकी है, मेरा कैमरा भी ख़राब हो चुका है, अभी बारिश के वजह से कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक छोटा सा वाटरफॉल है जो कि यही देख के सब लोग एंजॉय कर रहा है और कुछ करने का चांस ही नहीं है। फाइनली मैं मौसमी कैब्स के अंदर एंट्री कर चुका हूँ, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आपको क्या दिखा पाऊँगा क्या नहीं दिखा पाऊँगा, ऑलरेडी इतना बारिश हो रहा है, कुछ भी आपको देख नहीं सकेंगे, इसीलिए फाइनली डिसाइड कि मुझे यहीं पे आना है, तो कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाने के लिए। चलिए आगे तक चलते हैं। यहाँ पे आने से आपको अगर बाइक लेके आते हैं तो आपको
₹10 पार्किंग देना पड़ेगा और गाड़ी होगा तो आपका ₹20 पार्किंग होगा। और एंट्री फीस एडल्ट के लिए ₹20 पर हेड, बहुत ही अच्छा है, प्राइस कम है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली सब पत्थर है, यहाँ पे कोई भी माटी नहीं है, कोई भी ठोस जमीन नहीं है, सिर्फ पत्थर है। तो गाइस मैं अभी क्या बोलूँ, कुछ बोलने का है ही नहीं, ऐसा हो गया कि मैं कुछ आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, कितना गाड़ी आ रहा है मैं बोल भी नहीं सक रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं बारिश कम हो गया, मगर अभी फोग इतना गिरा है कि मुझे अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे तो एक बार देख लीजिए सराउंडिंग, चारों ओर देख लीजिए, ठीक है, तभी मालूम चलेगा। ये है मेन हाईवे, ये मेरी बाइक है, ये देखिए पीछे से क्या गाड़ी आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस साइड से भी क्या गाड़ी आ रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इतना फॉग गिर रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, इतना स्पीड में नहीं चला सकूँगा मैं भी। कॉम्प्लीटली 9:30 के बाद कंटिन्यूसली जब मैं भीग रहा था, 9:30 से लेके अभी 3:30 बज रहा है, 3 बजे तक मैं कंटिन्यूसली भीगा बारिश में, तो अच्छा भी लग रहा है, बहुत इरीटेटिंग भी लग रहा है, बहुत ख़राब भी लग रहा है। और अभी मैं बरापानी में पहुंच चुका हूं, यहां से ज़्यादा दूर नहीं है गुवाहाटी, तो वहां पे जाके मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगा। आपको मालूम ही चला होगा कि मैं कितना कोशिश किया था अच्छा से वीडियो बनाने के लिए, अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। सो दैट इज़ वाई मैं आप लोगों से बहुत तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आई फॉर्म, बाय बाय।